और एबीपी न्यूज लगातार तमाम पहलुओं की चर्चा, उनके असामयिक निधन की चर्चा आपके सामने रख रहा है। मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित उनके घर के बाहर मौजूद हैं और वहां से उन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। आज की सुबह भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर लेकर आई है। जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में निधन हो गया है। इसी खबर के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई, जिससे कि पूरा बॉलीवुड सकते में है। हम इस वक्त मुंबई के पश्चिमी उपनगर लोखंडवाला में मौजूद हैं, जहां पर ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत की पहली मंजिल पर अभिनेत्री श्रीदेवी का घर है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीती रात श्रीदेवी दुबई में थी, जहाँ पर मोहित मारवा नाम के कपूर खानदान के एक रिश्तेदार हैं, उनकी शादी वो अटेंड करने के लिए गई हुई थी। उनके साथ में उनके पति बोनी कपूर थे और छोटी बेटी खुशी उनके साथ में मौजूद थी। बड़ी बेटी जानवी मुंबई में ही है और फंक्शन के बाद उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। इस खबर के बाद पूरा बॉलीवुड सकते में है। 4 साल की उम्र से श्रीदेवी फिल्मों में काम कर रही थी और अब तक वो साल 2017 तक एक्टिव थी और आगे भी एक फिल्म में काम करने वाली थी। उन्होंने 300 फिल्मों में काम किया है और ना केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि दक्षिण भारत की कई सारी फिल्मों में भी वो काम कर चुकी हैं और एक बड़ा नाम खोया है भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने श्रीदेवी के जाने से। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर दुबई से मुंबई लाया जाएगा। यहाँ पर उनके निवास पर कुछ देर के लिए लोगों के उनके अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद पास ही में जो शमशान भूमि है वहाँ पर उनका शाम तक अंतिम संस्कार होगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।